बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन पकौड़ा तैयार करने लगे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी हमने तैयार की है, चले इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम तैयार करने लगे हैं चिकन पकौड़ा एक नए अंदाज के साथ। बहुत यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए 3 साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। हम इसको इस तरह से लंबी शेप में इसको ग्रेट कर लेते हैं। तीनों आलुओं को मैं ग्रेट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए तीनों आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसको पानी में अच्छे तरीके से वाश करके और पानी में ही रहने देंगे ताकि ये मज़ीद काले ना हो। अब ये दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसको भी इस तरह से बारीक स्लाइसेस में हम काट लेते हैं। दोनों प्याज भी हमने काट लिए हैं। अब इसको हाथ की मदद से हम इस तरीके से खोल लेते हैं। तकरीबन जितने आलू थे उससे थोड़े से कम हमने प्याज लेने हैं, या उसके बराबर भी आप ले सकती हैं। आलू को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ के पानी में से निकाल लिया है। अब ये प्याज भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची है जिनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करते हैं। 2 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया, 1 अदद अंडा शामिल करते हैं। 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करते हैं। बिल्कुल पकौड़ों की तरह हमने बहुत ज़्यादा बेसन इसमें शामिल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ इनकी बाइंडिंग के लिए हमने बेसन जो है वो शामिल करना है। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करते हैं मैदा। अगर मैदा नहीं है तो चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं। चावल का आटा भी मौजूद नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब बगैर पानी डाले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स करके फिर हम अंदाज़ा कर लेंगे कि इसमें हमें मज़ीद बेसन की ज़रूरत है या नहीं। देखिए हमने बिल्कुल एक कतरा भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आलू और प्याज ने खुद ही पानी छोड़ा है, जो हमने अंडा शामिल किया था उससे इसकी बाइंडिंग जो है वो ज़बरदस्त हो गई है। ये देखें जी, ज़बरदस्त बाइंडिंग हो रही है। इसको हम करते हैं साइड पर और चिकन की कटिंग करते हैं। ये लें जी, 1/2 ब्रेस्ट हमने चिकन का ले लिया। इसको हम इस तरीके से 2 पीसीस में काट लेते हैं और फिर इसकी इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है वो काटते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए तकरीबन 1/2 इंच इसकी मोटाई जो है वो होनी चाहिए। देखिए तमाम चिकन हमने इस तरीके से काट लिया है। आपके सामने चिकन पकौड़ा जो है वो तैयार करते हैं। अब ये देखिए जो हमने पकौड़ों का मिक्सर तैयार करके रखा था, इसको थोड़ा सा लेके हम इस तरीके से हाथ में फैला लेते हैं और एक चिकन का स्लाइस उठा के इसके अंदर रखते हैं और थोड़ा सा बैटर लेके इसके ऊपर लगा के तो इसको अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं। ये लीजिए, ये ज़बरदस्त सा चिकन पकौड़ा जो है वो तैयार है। इसी तरीके से हम इसको ऑयल में डालते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो गया है। अब हम चिकन पकौड़ा को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। दोनों साइडों पर आपने बिल्कुल बारीक बारीक लेयर देनी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं देनी। मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन पकौड़े जो है फ्राई हो गए हैं। इनको मैं निकालती हूँ, बकाया भी इसी तरह फ्राई करती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये लें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा जो तैयार है, बहुत क्रिस्पी। देखिए माशाल्लाह से लुक देखें, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो देखिए माशाल्लाह से चिकन भी अंदर से फुल पका हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चिकन पकौड़ा जो है वो तैयार हुआ है। इसी तरीके से पकौड़े बनाएं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं, या आपके घर पे स्पेशल मेहमान आ रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल चिकन पकौड़ा तैयार करें। यकीनन सब इसको बहुत एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की एक और नई मज़ेदार रेसिपी लेकर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।